दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए 17 ब्रीड्स ऑफ बफेलो, 17 ब्रीड्स ऑफ बफेलो। जी हाँ, भारत में पाने जाने वाली सभी 17 ब्रीड्स के आज हम विद फोटोज आपको जो है वो जानकारी देंगे। तो देखते हैं, पहली जो है वो बन्नी है, ये गुजरात की ब्रीड है और कच्छ एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी मुरा की तरह दिखती है, पर इसके जो शरीर का शेप है और जो सींग की बनावट है वो मुरा से थोड़ी अलग होती है। ये मुरा में सींग जो है वो साइड से गोल हो जाता है, इसके पहले ऊपर जाता है फिर गोल होता है। ये दूसरी ब्रीड बरगूर तमिलनाडु की ब्रीड थी। ये पादावरी जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे जो है वो दिखने को मिलती है और ये आजकल लुप्त होने की कतार पर है ये ब्रीड। छत्तीसगढ़ की एक ब्रीड है, छत्तीसगढ़ी जिसे कहा जाता है, छोटी सी बफेलो की ब्रीड। ये चिलिका जिसके सींग बहुत बड़े होते हैं, वो पीछे की साइड के पे जाकर एक दूसरे को टच हो जाते हैं, इतने बड़े इसके सींग होते हैं। ये गोजरी हिमाचल और पंजाब की ब्रीड है। देखिए, मुर्राह के कारण ये प्रख्यात नहीं हुई, वरना ये भी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी रखती है। जाफराबादी गुजरात की ये ब्रीड जिसके बारे में हर किसी को पता है, तो इसके बारे में तो क्या बताए। बेबी एलिफेंट भी जिसे कहा जाता है, बहुत ही बड़ी साइज में होती है ये ब्रीड। एक और ओडिशा की ब्रीड, ये आसाम की जो है वो छोटी सी भैंस की जात ये भी है, ल्यूट स्वयं। महाराष्ट्र की ये बफेलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। यह मेहसाना ब्रीड जो गुजरात की है, ये सूरती और मुराह का मिक्सचर जो है वो इसे माना जाता है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस ब्रीड करवा के इस ब्रीड को ईजाद किया गया था, मेहसानी ब्रीड। और अब आ गए हैं मुराह। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये सभी जगह पे ये देखने को जो है वो मिलती है और आजकल तो ये विश्व विख्यात प्रख्यात हो गई है। मिल्क के रिकॉर्ड में ये बेजोड़ है। तो मुराह देखते ही दिल खुश हो जाता है, वैसी ये ब्रीड मुराह। ये नागपुरी फिर से एक महाराष्ट्र की ब्रीड जो नागपुर शहर के आसपास में देखने को मिलती है। नीली रावी ये भी आजकल बहुत प्रख्यात जो है वो होती है, ये वाइट रंग की पंच कल्याणी टाइप की ये देखने को मिलती है और इसकी आईज जो है वो भी जो है वो ब्लू कलर की देखने को मिलती है और ये रावी प्रदेश के आसपास और आजकल पाकिस्तान में जो है वो बहुत प्रख्यात ये नीली रावी हो गई है। अंधारपुरी जिसके सींग जो है वो सबसे बड़े सींगों वाली ये बफेलो की ब्रीड, बहुत बड़े सींग जैसे तलवार हो वैसे सींग इसके होते हैं अंधारपुरी के। और सूरती जिसका जिक्र हमने मेहसाना ब्रीड जब आई थी तब किया था कि इसका सूरती और मुराह का क्रॉस जो करवा के उसको बनाया गया था, और ये सूरती जो है वो गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये आखिरी तमिलनाडु की ब्रीड, ये तोड़ा ब्रीड है जो ड्रॉट पर्पस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।